फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इग्नू से एमकॉम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा एक्चुअली में है नहीं। बिकॉज यू नो जो अभी अभी जो एग्जाम्स हुआ था मार्च अप्रैल में 2022 में, तो उसके अगर हम एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को ठीक से एनालाइज करें तो कुछ वैसा नहीं था। बिकॉज एग्जाम पेपर जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा पेपर था नहीं, तो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पेपर था, काफी स्टूडेंट्स को परेशानी हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इग्नू से एमकॉम एग्जाम्स जो बच्चे अभी जून जुलाई या फिर दिसंबर या जनवरी में देने वाले हैं, तो आप प्रिपरेशन कैसे करें। एकदम इजीएस्ट और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहली टिप से। पहली टिप्स है फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट। यू नो मैक्सिमम जो एमकॉम के एग्जाम्स दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए यू नो टाइम मैनेज करना इट्स अ बिग चैलेंज। तो अगर एमकॉम आपको कंप्लीट करना है तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू स्पेयर टाइम फॉर द स्टडीज। बिकॉज यू नो ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट मोमेंट में एग्जाम्स के जस्ट पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने एनालाइज कर लिया, देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस ले लिए और एग्जाम जाके देके आ गए। सो दैट्स नॉट द वे, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज 100%, राइट? दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स लैंग्वेज पावर। आपको यू नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वोकैबुलरी, इस पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको चाहिए रीडिंग प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कोई भी आर्टिकल्स, इनकी आप रीडिंग जरूर करें। 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, जैसा आपको टाइम मिले। एंड द अदर द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग स्किल। क्योंकि देखिए एमकॉम एग्जाम्स बेसिकली एक थ्योरी पेपर है और थ्योरी पेपर में एज वी नो दैट बहुत लिखना पड़ता है। 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए नियरली अबाउट यू नो वी हैव टू राइट मोर देन 5000 वर्ड्स। तो यू नो तो आपको डेली बेसिस पे यू मस्ट प्रैक्टिस नियरली 500 वर्ड्स डेली। ये प्रैक्टिस आपको करनी करनी है। आप चाहे कोई बुक से देख के लिखें, यू नो कोई भी, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया कोई चीज को एक्सपैंड कैसे करना है, आप यू नो ट्राई टू राइट डाउन। आपको नियरली अबाउट 500 वर्ड्स मिनिमम आपको डेली लिखना ही लिखना है एंड धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएं। 500 से 600, 700, धीरे धीरे यू नो स्लोली यू कैन इंक्रीज दैट स्पीड, राइट? नाउ उसके बाद में जो नेक्स्ट टिप है दैट इज एनालिसिस ऑफ पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। जो इग्नू के जो लास्ट 3 साल 4 साल के जो प्रीवियस पेपर्स हैं आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस वो आप देख सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियरली अबाउट काफी सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, लेकिन जो पिछला जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था ऐसा नहीं था, पेपर में काफी कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस थे, राइट? एंड द लास्ट टिप है फ्रेंड्स दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। यू नो इग्नू के थ्योरी पेपर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके अंदर यू नो 50% ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, यू नो क्लास 11 से लेके बीकॉम तक, वो हम कहीं ना कहीं उसको टच करते ही करते हैं, ठीक है? तो यू नो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जहां से आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, चीज क्या है क्या। जैसे मोटिवेशन है तो मोटिवेशन है क्या, लिवरेज है तो लिवरेज है क्या, तो दैट इज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, राइट? एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स दैट इज यू नो इसके अंदर कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट्स भी है, जैसे एमसीओ 05, 07 और 03। इसमें हल्का फुल्का अकाउंटिंग है, मैथ्स है, तो वो भी आपको देखना है, वो भी प्रैक्टिस करना है। एंड यू नो यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर टीचर्स अगर आपके आसपास के है, या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर एमकॉम की करवाते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। तो ये 5 टिप्स आपको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है,
तो इनको आपको जरूर से देखना है, बिकॉज इसके बिना आई डोंट थिंक आप मास्टर ऑफ कॉमर्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो, राइट right? जैसे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, लैंग्वेज पावर, राइटिंग स्किल्स, एनालिसिस ऑफ पास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये पांच चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये तो थी यूजफुल टिप्स एंड आई होप अगर आप इनको फॉलो करें आई एम डेट श्योर के यू आर गोइंग टू गेट अ बिग सक्सेस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।